नमस्कार दोस्तों, ई क्रशर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब हम ट्यूरिंग मशीन के प्रॉपर एग्जांपल्स देखने शुरू करेंगे, जहाँ से हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसकी हम बात करें तो उसमें हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन 00*, 00* के एक्सप्रेशन को अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो उसकी आप ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई अल्फाबेट गिवन है जीरो, वो कह रहे हैं डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज डिनोटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन 00*। ध्यान दीजिएगा, ट्यूरिंग मशीन जो के थ्रू आप जो भी प्रॉब्लम है फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा या लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के थ्रू सॉल्व करते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा वो प्रॉब्लम्स जो आप ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो अदर मशीन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जो उनकी लिमिटेशंस थी, उनको भी हम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम इसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंसेप्ट की आप बात करोगे तो ये कह रहे हैं कि जो अल्फाबेट गिवन है वो गिवन है जीरो। ठीक है, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है वो आपके पास गिवन है 00*। जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ये गिवन है तो इस पे बनने वाली जो लैंग्वेज होती है वो हो जाएगी आपके पास, क्योंकि 0* है तो वो नल हो जाएगा। तो पहला वर्ड बनेगा 0, फिर बनेगा आपके पास 00, फिर बनेगा 000 एंड सो ऑन। मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो जीरो की सीरीज है और मिनिमम एक जीरो तो आपका एक्सेप्ट नहीं होना है। आपसे कहा जा रहा है डिजाइन द ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसकी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे तो टेप पे जब आप इसकी कोई भी स्ट्रिंग, चाहे 000 पास कराओ, चाहे 4x0 पास कराओ, चाहे 00 आप पास कराओ, टेप पे पास कराओगे तो वो सारे आपके एक्सेप्ट होने चाहिए। नल एक्सेप्ट नहीं होगा अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसकी ट्यूरिंग मशीन कैसे हम बनाएंगे, तो इसका हमें कंसेप्ट पहले हम डेवलप करते हैं। कंसेप्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल से कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग आपके पास आती है 000, तो कैसे आप इसकी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करोगे। तो हमें कहना है कि अगर 000 आएगा तो उसको आप टेप पे स्टोर कराओगे। पहले हम उसकी टेप के थ्रू वर्किंग समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी सीखनी है तो पहले आप उसका कंसेप्ट डेवलप करना सीखिए। जब आपका कंसेप्ट बन जाएगा उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट के लिए क्या करें, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले ली, लेट्स से 3 जीरो की एक्सेप्टेंस का बनाना है और ये आपके पास एक टेप गिवन है। ये जो है ये आपके पास एक टेप गिवन है, तो टेप में 3 जीरो स्टोर करोगे तो लेट्स से वो आपका 3 जीरो आपके पास यहाँ पे स्टोर है, बाकी लोकेशन आपके पास ब्लैंक है। ठीक है, तो इनिशियली जो आपका हेडर होगा समथिंग यहाँ पे कहीं पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, लेट्स से वो क्यू नॉट पे है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि क्योंकि लैंग्वेज ये कह रही है कि कम से कम एक जीरो तो एक्सेप्ट होगा ही होगा, कम से कम एक जीरो तो लैंग्वेज का पार्ट है ही, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको पहला जीरो मिलता है तो पहला जीरो रीड करते ही अब अपनी मशीन की स्टेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि कम से कम एक जीरो रीड करना है। और फिर उसके बाद जितने जीरो आपको मिलते जाएं, क्योंकि उसके बाद जितने भी जीरो हैं आपके पास क्या कह सकते हैं कि एक्सेस में आ कर सकते हो, क्योंकि जीरो की सीरीज है, तो उसके बाद जितने भी जीरो मिल जाएगा तो सिमिलर ऑपरेशन है, तो उसको आप उसी स्टेट पर परफॉर्म करते रहिए और जैसे ही आपको ब्लैंक मिलेगा आप स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं कि जैसे जैसे आपको जीरो मिलता जा रहा है, जैसे आप जीरो रीड करोगे हर जीरो को आप ब्लैंक से रिप्लेस करना शुरू करिए। अच्छा, पहले जीरो पे हम स्टेट क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, कारण ये है क्योंकि कम से कम ये एक जीरो तो एक्सेप्ट कर ही रहा है ना। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो क्लोजर होता, ठीक है, जिसमें नल भी आ रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे, हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे ऑपरेट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि क्यू नॉट को आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिया हुआ है और जीरो अपडेट कर रहे हो, तो जीरो को आपको ब्लैंक से रिप्लेस करना है और कम से कम एक जीरो आना चाहिए और ये जीरो को रीड करने के लिए आपको राइट मूवमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन कर रहे हैं, देखिए तो हम बहुत सिंपल से कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप हम सिंपल से कहेंगे कि इनिशियली
आप क्यू नॉट स्टेट पर हो और इनपुट सिंबल आपको क्या मिला, जीरो। जैसे कि आप फिगर नंबर वन में देख रहे हो, इसको मैं बोल देता हूँ फिगर नंबर वन, ठीक है, जैसे कि फिगर नंबर वन में देख रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप पहला जीरो रीड करोगे तो हम मशीन की स्टेट चेंज करेंगे, क्योंकि कम से कम एक जीरो तो एक्सेप्ट होना ही है। जैसे हम ये डी एफ ए और एन एफ ए और पी डी में हम कंसेप्ट यूज करते थे, और जीरो को हम रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से, और हेडर जो है वो आपका हम राइट मूवमेंट करेंगे ताकि वो नेक्स्ट जीरो को रीड कर सके, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा कंसेप्ट बताने का तरीका वो ये है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करते हुए हम एक जनरल ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिमिलर ऑपरेशंस जो होंगी, अगर यहाँ पे कोई सिमिलर टाइप की ऑपरेशंस आ रही हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ही ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसकी वर्किंग कर लेगी। तो फिलहाल जैसे अगर हम कहें कि ट्यूरिंग मशीन की अगर ये ऑपरेशन डिफाइन हो गई है और इसको अगर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया होता, इस फिगर नंबर वन पे अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होता, तो जो नई फिगर निकल के आती है वो कुछ ऐसे निकल के आती है आपके पास। तो फिगर कैसे निकल के आएगी आपके पास, अगर देखोगे तो फिर कुछ ऐसे हो जाएगी आपके पास। आप ए जीरो रीड कर चुके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिगर कैसी हो जाएगी, समथिंग ऐसी हो जाएगी। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। जीरो को आपने रीड किया तो क्यू नॉट पे जीरो को रीड किया तो ब्लैंक हो जाएगा, बाकी दो जीरो ऐसे ही रहेंगे और ये आपके पास ब्लैंक है, ठीक है। और हेडर, जैसे कि ऑपरेशन की हम बात करते हैं, तो हमने क्या करा है कि हेडर को हमने राइट मूवमेंट किया है, और कौन सी स्टेट पे मशीन आ गई, क्यू वन पे, ठीक है। तो हेडर जो है वो आपका राइट मूवमेंट करके यहाँ आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, और क्यू वन स्टेट पे आ जाएगा। और जो स्ट्रिंग थी आपके पास ट्रिपल जीरो, उसका आप एक जीरो रीड कर चुके हो, आपने उस जीरो को ब्लैंक से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यही तो ऑपरेशन हुई, ठीक है। अब हमने कहा कि एक जीरो के बाद जितने भी जीरो आते रहे, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन देखोगे तो वहाँ पे जीरो के बाद जीरो क्लोजर लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे जितने भी जीरो आते चले जा रहे हैं सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सिमिलर ऑपरेशन है, तो हमें अब चाहे इसके बाद जैसे यहाँ पे दो जीरो आ रहे हैं, चाहे दो आए, चाहे यहाँ पे 40 जीरो आए, यहाँ पे चाहे एक जीरो के बाद 40 जीरो आए, सब एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सिमिलर ऑपरेशन हो रही है तो हमें स्टेट की करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी ऑपरेशन में कह रहे हैं कि क्यू वन पर अगर आपको जीरो मिलता है, तो जैसे क्यू वन पर जीरो मिलता है तो जीरो को आप ब्लैंक से रिप्लेस कर दीजिए, इस जीरो को ब्लैंक से रिप्लेस कर दीजिए, स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हेडर को आप राइट मूव कर दीजिए, स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हेडर को सिंपली आप राइट मूव कर दीजिए, ऑपरेशन कंटिन्यू करते चले जाइए, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर ऑपरेशन है। तो नतीजे क्या होगा कि हम सेकंड केस में भी डिजाइन कर सकते हैं ऑपरेशन कि अगर आपकी मशीन क्यू नॉट स्टेट पर है, सॉरी क्यू वन पर आ चुकी है, और फिर आपको अगर जीरो मिलता है तो मशीन क्यू वन पर ही रहेगी, जीरो ब्लैंक से रिप्लेस होगा, हेडर आपके पास राइट जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि जैसे ही आपको क्यू अगर सेकंड ऑपरेशन को देखिए तो ये कह रहा है कि क्यू वन पर अगर आपको जीरो मिल रहा है तो आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो, और जैसे ही जीरो मिल रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर रहे हो ब्लैंक से, और ब्लैंक से रिप्लेस करने के बाद जब हेडर राइट मूव करेगा, जब हेडर राइट मूव करेगा तो इसका अर्थ ये है कि जब राइट मूव करेगा तो आप रहोगे तो क्यू वन स्टेट पर ही है। तो कहते हैं कि अगर उसके बाद फिर से आपको जीरो मिलता है तो यही ऑपरेशन रिपीट हो जाएगी। जैसे आप अगर फिगर नंबर टू देखें, अगर मैं इस फिगर को बोलता हूँ फिगर नंबर टू, ठीक है, तो आप ऑपरेशन से रिलेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर है और हमें कहें कि आपने स्ट्रिंग की ट्रिपल जीरो दी होती, तो पहले ऑपरेशन के बाद आप देखो सिचुएशन बने कि आप क्यू वन पे जीरो रीड कर रहे हो, तो आप देखिए क्या ये वाली ऑपरेशन आपके पास डिफाइंड है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था उसी तरह से। तो आप देखो कि क्यू वन पे जीरो डिफाइंड है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने क्यू वन पे जीरो रीड किया तो कह रहे हैं जीरो को आप रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, मतलब जो आपकी मशीन बनेगी अगर उसकी अगर हम बात करें, मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने Q1 पे जीरो रीड किया तो जीरो रिप्लेस किया ब्लैंक से, तो मतलब आप फिगर नंबर टू में देखिए, फिगर नंबर टू में वो कह रहे हैं कि जीरो को आप रिप्लेस करोगे ब्लैंक से, है ना, ठीक है। जैसे आपने जीरो को ब्लैंक से रिप्लेस किया, हेडर कहाँ जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाले रंग से मैं वो ऑपरेशन कर रहा हूँ जो हम नई फिगर बनने पर आएगी, मतलब जो ऑपरेशन हो रही है वो बता रहे हैं, ठीक है। हेडर जाएगा राइट, ठीक है, तो हेडर जब जाएगा राइट तो फिगर नंबर टू में हेडर कहाँ आएगा, राइट, मतलब हेडर को आपको यहाँ पहुँचना चाहिए, जो हम समझ पा रहे हैं।
और स्टेट कौन सी मशीन जा रही है, Q1 से Q1 पे ही जा रही है, मतलब स्टेट आपकी मशीन की चेंज नहीं हो रही है। तो मशीन कौन सी स्टेट पे आएगी आपके पास, Q1 पे आएगी, मतलब जो नई फिगर निकल के आएगी वो फिगर आपके पास समथिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। अगर बात करें तो नई फिगर कुछ ऐसे हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, और जैसे आपने जीरो रीड किया था उसको आपने ब्लैंक किया, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, हेडर के पास यहाँ आ जाएगा Q1 शेप पे, मतलब जो अगला जीरो ये हो गया आपके पास फिगर नंबर 3 जो आप ये ऑपरेशन करोगे। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन हुई थी वो पहली वाली ऑपरेशन चली थी, वो चली थी कि Q0 पे जैसे आपने जीरो रीड किया तो मशीन पहुंची Q1 पे ब्लैंक और राइट। और यहाँ पे ऑपरेशन चली सेकंड वाली, वो चलेगी Q0 Q1 पे आप 1 0 रीड कर रहे हो तो मशीन Q1 पे पहुंच रही है, जीरो ब्लैंक हो रहा है, हेड जा रहा है आपके पास राइट, ठीक है। अब अगर यही 3 लेंथ की स्ट्रिंग 0 0 0 होते तो थर्ड फिगर के बाद यहाँ पे Q1 पे आप 0 रीड करते, तो Q1 पे ही जैसे आप 0 रीड करते, ध्यान दीजिएगा इसके थ्रू हम समझ रहे हैं कि कौन कौन सी नई ऑपरेशंस आ रही होंगी। तो Q1 पे जैसे आप 0 रीड करोगे तो आप देखो Q1 पे 0 वाली ऑपरेशन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है फिर से यही वाली ऑपरेशन रिपीट हो जाएगी, और ये ऑपरेशन आपको पता है कि 0 को ब्लैंक से रिप्लेस करना है, हेडर राइट जाएगा और मशीन Q1 पे ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जो नई फिगर निकल के आएगी आप देखिएगा वो नई फिगर समथिंग आपके पास ये आ जाएगी। अगर ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें ठीक है, तो ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये चार ब्लैंक था, और Q1 पे आपने जीरो रीड किया तो जीरो रिप्लेस हो गया ब्लैंक से, हेडर पहुंचा राइट, राइट में उसको ब्लैंक मिलेगा और कौन सी शेड पे पहुंचा Q1 पे, ठीक है। तो जैसे अब देखो, अब देखिए आपको यहाँ क्या है कि जब फिगर नंबर 4 में देखेंगे तो Q1 पे आपको ब्लैंक मिल रहा है। अगर आप फिगर नंबर 4 देखेंगे तो आपको Q1 पे ब्लैंक मिल रहा है, इस चीज को समझिएगा, Q1 पे ब्लैंक मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सारे जितने जीरो थे वो आप यहाँ पे एग्जॉस्ट कर चुके हैं। 3 पोजीशंस पे आपके पास जीरो थे वो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको ब्लैंक मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रिंग पूरी रीड कर चुके हैं। तो जैसे ही ब्लैंक मिला मतलब सारे जीरो आप रीड कर चुके हैं, मतलब आपकी ऑपरेशन समाप्त हो गई, तो हम किसी अदर स्टेट को फाइनल स्टेट बना के हम स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो मशीन की जो थर्ड ऑपरेशन बनेगी, अगर मशीन क्या थर्ड ऑपरेशन बनाओगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम बात करें तो जो थर्ड ऑपरेशन बनेगी वो ये बनेगी कि अब अगर आपकी मशीन Q1 स्टेट पर है और कुछ भी इनपुट सिंबल रीड करने को नहीं बचा, ब्लैंक रीड कर रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करो, मशीन को आप किसी अदर स्टेट पर जाके स्टॉप कर दीजिए क्योंकि वापस कुछ रीड करने के लिए नहीं बचा है, और ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और राइट या लेफ्ट जहाँ भी आपको मूव करें वहाँ रख के स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे हम Q2 जो है वो आपकी फाइनल स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये इस प्रॉब्लम की आपके पास ट्यूरिंग मशीन बन गई, जिसमें आपने ये ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू आपने इसकी वर्किंग को शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप इस मशीन को जनरल चेक करें, जैसे अगर मैं बात करूँगा आपको समझना हो कि ये मशीन हर स्ट्रिंग के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं आपको रफली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी ये आपकी ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, और मैं कहूँ स्ट्रिंग होती है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 0। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इनिशियली तो आप Q0 पर होते, तो Q0 पे अगर 0 रीड करो तो पहली वाली ऑपरेशन चल जाएगी, तो पहली वाली ऑपरेशन चल जाएगी, जैसे पहली वाली ऑपरेशन चलाओगे तो कह रहे हैं Q0 पे 0 को आपने रीड किया, ठीक है, और Q0 पे 0 को रीड किया तो 0 को ब्लैंक किया, हेडर राइट किया, मशीन Q1 पे आ गई, ठीक है। तो 0 को ब्लैंक कर रहे हो, तो फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप कह सकते हो कि 0 को आप ब्लैंक कर रहे हो, ठीक है, 0 को ब्लैंक कर रहे हो, ये 0 ऐसे ही रहेंगे, आई हैड राइट मूव करेगा कौन से स्टेट पर आ जाएगा आपके पास Q1 पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको Q1 पे 0 मिलना है, ये देखिए ये Q1 पे आपको 0 मिलना है, Q1 स्टेट पर 0 रीड कर रहे हो, तो आप देखिए ऑपरेशन कोई डिफाइंड है, तो आप देख लो सेकंड ऑपरेशन चीज की डिफाइंड है, तो सेकंड ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करोगे तो ये कह रहा है कि जैसे ही आपने Q1 पे 0 रीड किया तो 0 को फिर से ब्लैंक से रिप्लेस करना है, तो ये वाला जो 0 है, ये वाला 0, ये 0 आपका ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएगा,
हेडर राइट जाएगा, तो हेडर राइट मतलब यहाँ आ जाएगा हेडर, और कौन सी स्टेट पर आ जाएगा, Q1 पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब स्ट्रिंग का मैसेज शो करते हैं तो हमें ये उसी तरह से जैसे टेप की फॉर्म में शो करोगे तो इसके राइट में यहाँ सारे ब्लैंक लगे हुए हैं और इसके लेफ्ट में सारे ब्लैंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये रफली मैं समझा रहा हूँ, तो ये ब्लैंक रहेगा, जीरो आपका फिर से ब्लैंक हो गया, हेडर में यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, और मशीन कौन सी स्टेट पर रहेगी आपके पास, Q1 पर। अब Q1 पे फिर से आप जीरो रीड करोगे तो फिर वो ब्लैंक रहेगा जीरो रिप्लेस होगा ब्लैंक से, ये जीरो हो जाएगा, हेडर राइट पहुंचेगा Q1 पर। ठीक है, अब Q1 पे जैसे ही फिर से जीरो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी सेकंड ऑपरेशन चली थी, यहाँ भी सेकंड ऑपरेशन चली, तो यहाँ भी सेकंड ऑपरेशन चलेगी, वो जाएगा ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, जीरो रिप्लेस होगा ब्लैंक से और हेडर जाना राइट। तो राइट में क्योंकि जीरो के राइट में अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ ब्लैंक है, तो ब्लैंक तो पहुंचेगा स्टेट Q1 में पहुंचेगा, और जैसे Q1 में ब्लैंक रीड करेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के बाई थर्ड ऑपरेशन वो ब्लैंक रखेगा ब्लैंक रखेगा ब्लैंक रखेगा ब्लैंक रखेगा ब्लैंक रखेगा और ब्लैंक रख के और Q2 पे जाके आपके पास स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपकी वर्किंग को स्टॉप कर जाएगा, तो मतलब क्या नहीं करती है हर स्ट्रीम को आपका एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपकी ट्यूरिंग मशीन हो गई। इसी ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो ये इस प्रॉब्लम की इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप इसको ट्रांजिशन डायग्राम से शो करते हैं, अगर आप इसकी ट्रांजिशन डायग्राम से आप शो करोगे जैसे कुछ बुक्स में बना होता है, तो बहुत ईजिली आप बना सकते हो। ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे तो आपके पास देखो दो स्टेट निकल के आ रही हैं, कौन कौन सी स्टेट निकल के आ रही है अगर हम बात करें तो एक स्टेट है Q0, एक स्टेट है Q1। टेप में कौन कौन से सिंबल गए अगर आप देखो तो टेप में कौन कौन से सिंबल गए आप देखोगे तो ब्लैंक गया है और जीरो गया, इसके अलावा कोई और सिंबल रीड नहीं हुआ है। ठीक है, तो जीरो रीड कर रहे हैं आप टेप में और दूसरे आप रीड कर रहे हैं ब्लैंक। ठीक है, तो Q0 पे जीरो रीड करोगे तो मशीन Q1 स्टेट पे जा रही है ब्लैंक और राइट, Q0 पे आप ब्लैंक रीड कर रहे हो सॉरी, और एक स्टेट और है Q2 स्टेट भी तो है। ठीक है, Q0 पे ब्लैंक पे कोई ऑपरेशन नहीं है, Q1 पे आप जीरो रीड कर रहे हो, Q1 पे जीरो रीड कर रहे हो। ठीक है, तो मशीन Q1 पे जा रही है, ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, हेडर राइट जा रहा है। ठीक है, फिर Q1 पे बी रीड कर रहे हो तो मशीन Q2 पे जा रही है, ब्लैंक और राइट जा रहे हो। ठीक है, और Q2 क्योंकि फर्स्ट स्टेट है तो उस पर आप किसी भी इनपुट सिंबल पे कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, उसमें सब जगह ब्लैंक आ जाता है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, ये आपके पास फाइनल स्टेट हो गई, ये इसका आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम से देखना चाहेंगे तो वो डायग्राम ऐसे बनेगा, सॉरी ये ट्रांजिशन टेबल बना दी, सॉरी मैंने ये ट्रांजिशन डायग्राम नहीं है, ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, ये ट्रांजिशन टेबल है, मैं डायग्राम भूल गया था। ठीक है, इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा आप देखोगे, ट्रांजिशन डायग्राम बहुत सिंपल है, ट्रांजिशन डायग्राम तीन स्टेट है, ओके तीन स्टेट बना दो, Q0 Q1 Q2। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल, Q0 से जीरो का ट्रांजिशन कहाँ लेके जा रहा है तो यहाँ एरो बना दो, Q0 से जीरो रीड कर रहे हो तो Q1 पे जा रहे हो और जीरो रिप्लेस हो रहा है ब्लैंक से, हेडर जाएगा राइट। ठीक है, ऐसे Q1 से जीरो रीड कर रहे हो तो मशीन Q1 पे ही है, जीरो रिप्लेस हो रहा है ब्लैंक से, हेडर राइट जा रहा है, और Q1 पे ही है ब्लैंक रीड कर रहे हो थर्ड ऑपरेशन ब्लैंक रीड कर रहे हो तो ब्लैंक रहेगा और हेडर राइट जाएगा, सॉरी जैसे ब्लैंक रीड कर रहे हो तो आपकी मशीन Q2 पे जा रही है। ठीक है, तो जैसे आप ब्लैंक रीड कर रहे हो तो आपकी मशीन कहाँ जा रही है, Q2 पर, ब्लैंक रीड करने पे ब्लैंक रहेगा हेडर राइट जाएगा और ये आपकी मशीन बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम कुछ आपके पास इस तरह से क्रिएट होगा अगर हम बात करें तो। ठीक है, अगर आप इसको 7 ट्रिपल से रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे
ठीक है, इसको अगर आप 7 टपल से रिप्रेजेंट करोगे, बहुत सिंपली आप 7 टपल क्या है इसके अगर आप बात करोगे, तो ट्यूरिंग मशीन के 7 टपल होते हैं क्यू सिग्मा टाउ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेल्टा क्यू नॉट प्लैंक और फाइनल शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स है, 3 स्टेट्स है, क्यू नॉट Q1, Q2, इनपुट सिंबल है आपके पास 0, टाउ में आया आपके पास 0 और ब्लैंक, ट्रांजिशन टेबल आपने नीचे डिफाइन कर रखी है, क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, ब्लैंक है और फाइनल स्टेट आपके पास Q2 है, ठीक है। ये इसके 7 टपल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन और भी हमने इसका वर्क समझ ली, इसकी आईडी मैं नहीं बता रहा हूँ, आईडी मैं किसी और क्वेश्चन में इसके साथ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।